काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने सोचा अगर पैर सलाम नमस्ते, दिस इज साइदा खान, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। सो आज है 2 तारीख और दिन कौन सा है मुझे नहीं मालूम है। आज शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल दवाई ली थी और लेने के बाद पूरा दिन जम के सोई हूँ, तो अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है तो शाम की चाय बना रही हूँ मैं। मैंने विंडो सब बंद कर दिया क्योंकि हवा चल रही है और मुझे ठंड लग रही है, तो अभी चाय पीऊँगी और थोड़ा काम करना है क्योंकि 2 दिन से ढंग से काम नहीं कर पाई हूँ। अभी थोड़ा 2-3 घंटा काम करूँगी, काम करने के बाद फिर जो भी करती हूँ फिर खाना बनाएंगे क्योंकि पहले तो काम करना है। काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो पहले काम करूँगी, अच्छे से 2-3 घंटा काम कर लूँगी, फिर खाना वाना बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं और देखते हैं। फर्स्ट है अनियन, देन बॉइल्ड ग्रीन चिली, और सॉल्ट। अब इसको घसेंगे। मिक्स हो गया, अब डालेंगे बॉइल्ड पोटैटो। मैंने एक्चुअली राइस के अंदर ही पोटैटो को डाला था, तो इसके लिए राइस 1-2 लगे हुए हैं। इस तरह से पोटैटो को बॉइल करते हैं ना तो टेस्ट अच्छा आता है, अदरवाइज अलग से पानी में उबालते हैं तो कैसे मतलब फीका फीका सा लगता है। ट्राई करना इस तरह से। एक्चुअली बंगाली में इसे भरता बोलते हैं एंड यूपी बिहार में चटनी या चोखा बोल के जाना जाता है। थोड़ा सा 1-2 इंग्रेडिएंट इधर उधर करने से टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर बॉयल मिर्ची के बजाय सूखी लाल मिर्च तल के डालते थे तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर एक प्रोसेस और है कि हम मिर्ची कांदा सब कुछ को फ्राई करके फिर भरता बना सकते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। अब डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, एंड मिक्स वेल अच्छे से, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। एक्चुअली ये ट्रेडिशनल बंगाली ट्रेडिशनल स्टाइल है भरता बनाने का, मिट्टी के ढक्कन पे। ये है नारियल का जो बाटी रहता है ना, वो है, उसे मैंने एकदम फिनिशिंग से बनाया है।
ये देखिए कितना अच्छे से मैश हो जाता है। काफी सही होता है एक्चुअली ये, से हाथ लगाने से, हाथ से मैश करने से है ना काफी जलन होती है किसी किसी को, बट ये एकदम प्रॉपर मिक्स भी हो जाता है, कोई लम्स भी नहीं रहते हैं और अच्छे से बन भी जाता है। तो फाइनली मेरा भरता जो है बन चुका है। ये रहा राइस दाल, ये मेरा भरता और ये थोड़ा सा चिकन का कलीजा है, ये लाइक ग्रिल किया हुआ है, और ये थोड़ा सा पोटा फ्राई, और ये है टमाटर। बस अब फटाफट से गरम गरम राइस के साथ खाना खा लूँगी। सो गाइस खाना वाना खा के हो गया है और अभी आ गई हूँ बाहर, सारा काम ख़त्म, आज थोड़ा जल्दी जल्दी खाना वाना हो गया डिनर। और आज हम बहुत ही एक अच्छी चीज़ शेयर करने वाले हैं जो कि लेडीज़ और जो कि मैन और वुमेन के लिए दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक्चुअली मैं करने वाली हूँ पेडिक्योर, मैंने जैसे काफ़ी दिन से बोला था आप लोगों को, लास्ट मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, तो जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे थोड़ा सा पैर में जलन हो रही थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा गर्म पानी में पैर को डुबो दिया जाए। तो मैंने सोचा अगर पैर में पानी, गर्म पानी में अगर पैर ही डुबोना है तो उसका पूरा फ़ायदा भी उठाना है, तो साथ साथ में मैंने लाइक पेडिक्योर जैसा ही किया है। तो मैंने क्या किया है, वैसे प्रोफेशनली कुछ नहीं किया है, सिंपली जो चीज़ें मैंने किया है वही मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस रहा है, ठीक है देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी टूल मुझे चाहिए सारे एसेसरीज़ में यहाँ पे ले ली हूँ, और ये है गर्म पानी, जितना भी गर्म पानी आप सह सकते हो उतना गर्म पानी लेना है। उसमें मैं नींबू निचोड़ के डाल रही हूँ, एक नींबू पूरा डाल दिया, सॉल्ट, सॉल्ट डालने से काफ़ी अगर पैर में दर्द वर्द होता है तो वो रिलीज़ हो जाता है, और मैं कोई भी आपके पास शावर जल या शैम्पू है उसे डाल दीजिए। अब टाइम है पैर डुबोने का पानी में, तो एटलीस्ट 15-20 मिनट रखिए तभी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं तो जब तक पानी गर्म रहता है तब तक ही रखती हूँ, जितना टाइम पानी मीन्स गर्म रहता है। उसके बाद अब है क्लीनिंग की, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ब्रश है, इसके है ना जो दांत है वो काफ़ी वो वाला है, पूरा एकदम स्क्रब कर देता है, मोटा वाला है। इससे पहले जो भी डेड स्किन है वो निकालने होते हैं घस घस के। एक्चुअली मैं यहाँ पे स्ट्रगल इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस साइड से व्यू चाहिए था, और ट्राईपॉड पे लगा के मुझे दिख नहीं रहा था एक्चुअली वीडियो शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स वाई मैं अपने हाथ में लेके कर रही थी तो इसके लिए हिल रहा था। अब देखिए फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, इस तरह से पूरे पैर को घस लेना है, और उसके बाद ये सॉफ्ट वाला जो स्क्रबर है वो देख के जो भी मतलब हमारे जो स्किन अनइवन है उसे इवन करना है पूरे पैर को अच्छे से घस घस के, और उसके बाद है क्लीनिंग प्रोसेस, थोड़ा सा शावर जेल लेके और ये वाला ब्रश देख के अच्छे से घस घस के पैर को साफ करना है, जो भी डर्ट रहेगा और जो भी स्किन हमने निकाले है ड्राई स्किन वो सारे चीज़ें अच्छे से वॉश आउट हो जाएंगे। तो इसे अच्छे से इस ब्रश से ऊपर नीचे अच्छे से ब्रश कर लेना है तो पैर एकदम ही क्लीन हो जाएगा। हाँ नाखून को घसना भूलना मत, नाखून को भी घसना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नाखून के ऊपर भी बहुत सारे डर्ट रहते हैं, तो नाखून को भी अच्छे से घस लेना है। उसके बाद अच्छे पानी से वॉश करने के बाद कोई भी बॉडी बटर या बॉडी लोशन या मॉइस्चराइज़र से अच्छे से पूरे पैर को मॉइस्चराइज कर लेना है, अगर हो सके तो पूरे पैर को अच्छे से मसाज दीजिए, तो इससे ना बहुत ही रिलैक्स मिलता है और
क्योंकि हम पैरों के ऊपर ही खड़े रहते हैं, पैरों का काम ज़्यादा होता है, तो इसे भी अच्छा रखना, रिलैक्स देना ज़रूरी होता है। तो गर्म पानी में पैर भिगाने के बाद, पेडिक्योर करने के बाद जो रिलैक्सेशन मिली है ना, बता नहीं सकती हूँ, मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ। सो ऑलमोस्ट 12:30 बज गया है, अभी मुझे सो जाना चाहिए एकदम। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तो बस सो जाओ, क्योंकि कुछ भी मसाज वगैरह होता है ना, पहले तो पानी में, गर्म पानी में भिगा, उससे एक रिलैक्सेशन मिलता है। एंड देन फिर मैंने थोड़ा बॉडी बटर लगा के अच्छे से मसाज किया, तो उससे है ना थोड़ा और अच्छा हो गया। एंड अभी है ना एकदम ऐसा, मतलब लग रहा है कि अभी अच्छी नींद आ जाएगी। तो आप लोगों को भी ऐसा अगर कभी फील होता है तो ज़रूर ट्राई करिए, एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसा लगा। क्योंकि मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी एंड ठंडे पानी में भिगा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो गर्म पानी में भिगा के देखते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।